जेंटलमैन क्या दे दिया अगला बताइए। यहाँ पे सारा भी आपका कंपटीशन विंडो ही चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या चला है जेंटलमैन, कंपटीशन विंडो, सारा कंपटीशन सेशन का पार्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फिर जेंटलमैन वही बात हुआ, कोई भी एक नंबर टेकन करेंगे, उसका जो भी फैक्टर होगा उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, ठीक है ना, उसी पे डिस्कस करना। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं जेंटलमैन, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर इन दिया रहेगा जेंटलमैन, और इस एप्लीकेशन पर पीछे जो हम क्वेश्चन बताए थे याद होगा कहां पे, ओलंपियाड वाला जो क्वेश्चन है पीछे डिस्कस किए थे, वहां पर एक क्वेश्चन आया भी था इस टाइप का, कौन सा आप पलटेंगे और देखेंगे 82 का पावर 48 वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आया था, ठीक है ना, जो हम बोले भी थे कि आगे ये सब थ्योरम आएगा हम प्रूफ करेंगे वहां पे। चैप्टर बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर रहेगा उसका फैक्टर का जो भी फैक्टर होगा उसका प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया n टू द पावर n / देयर n क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो मैं स्मॉल n किसको इंडिकेट करेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को, और कैपिटल n उस कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आइए ना एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए ना, फिर देखिए एक छोटा एग्जांपल टेकन कर लेते हैं, छोटा क्लियर होगा तो बड़ा ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा समझिए, जैसे उन्होंने छोटा कोई भी नंबर बोल लिया, जैसे 18 हम ले लेते हैं, सबसे पहले 18 का आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 18 में किस लगाएंगे जेंटलमैन बताइए तो, आप 2 से लगाएंगे तो क्या बोलेंगे सर 9, और 3 से लगाएंगे तो कितना होगा जेंटलमैन बताइए तो क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 2 इनटू कितना बोलेंगे 3 इनटू, इसी में आप क्या लिखेंगे बताइए जेंटलमैन क्या पढ़े हैं कि सर 2 इनटू 3 का कितना होगा होल स्क्वायर, क्योंकि 3 को दो टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब बताइए जेंटलमैन, देखिए बोला था जो भी नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, पहला थ्योरम है जेंटलमैन, अभी पीछे जो थ्योरम फाइंड किए हैं उस पे क्या बतलाए थे सिंस, क्यों, क्योंकि n हमें चाहिए स्मॉल n चाहिए, स्मॉल n मींस क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, बोले जेंटलमैन हम क्या बतलाए कि जो भी पावर है उसको 1 ऐड कर देंगे, पावर क्या जेंटलमैन 1, यहां देखिए याद है कि हम बैक आते हैं याद दिलाते हैं आपको जेंटलमैन, यहां यहां थ्योरम जो पीछे बताया, यहां देखिए ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब है ना कि जो भी डिग्री है उसमें 1 ऐड कर देंगे, डिग्री में 1 ऐड कर देंगे मतलब 1 ऐड कर देंगे पावर में और सारे का प्रोडक्ट कर देंगे, इसी थ्योरम के से हम फाइंड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो देखते रहिए क्या कहते हैं डिग्री कितना है 1, 1 में 1 ऐड कर देंगे 1 प्लस 1, फिर से डिग्री कितना है 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे 2 प्लस 1, कितना है जेंटलमैन 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, जेंटलमैन 18 का टोटल 6 फैक्टर्स होंगे, 18 का कितना फैक्टर होगा 6, अब बताइए ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर चुके, आइए अब क्या बोला जेंटलमैन इस फैक्टर का प्रोडक्ट हम करेंगे, हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जेंटलमैन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जेंटलमैन क्या पढ़े हैं कि सर जो भी नंबर रहेगा जेंटलमैन n कोई नंबर है उसका पावर n / 2, n मींस नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो n मींस नंबर, तो n तो इसी को ना मानेंगे ये जो नंबर था आपके पास यही n है, n का वैल्यू कितना है 18, तो देखते रहिए 18 का पावर जेंटलमैन क्या बोला है कि सर n / 2, n मींस क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये जो 6 फाइंड किए यही आपके पास स्मॉल n हो गया जेंटलमैन, स्मॉल n का वैल्यू कितना हो गया 6 / 2 कर दीजिए, 18 का पावर कितना होगा जेंटलमैन 2 3 6, 18 का पावर जेंटलमैन इस नंबर जो 18 लिए हैं उसका जो फैक्टर करेंगे टोटल फैक्टर और तब जो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा 18 का पावर, आप चेक भी करके देख लीजिए ना, आइए वेरीफाई कर ही लेते ताकि कंफ्यूजन दूर ही हो जाएगा, जेंटलमैन कैसे वेरीफाई करें यहां पर देखिए मेंशन कर देते हैं फॉर वेरिफिकेशन, बताइए क्या है बोले जेंटलमैन कि सर 18 किस किस नंबर से डिविजिबल है पहले ये बताइए, 18 डिविजिबल है 1 2 3 6 9 और 18, जेंटलमैन बोला था कितना फैक्टर होना चाहिए 6, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर भी हो गया, अब बोला था फैक्टर का जो प्रोडक्ट करेंगे जेंटलमैन वो कितना होना चाहिए 18 का पावर, अब चेक करके देखिए तो जेंटलमैन यहां देखते रहिए आप जैसे जो फैक्टर है उसका हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है जेंटलमैन बताइए तो क्या आएगा, क्या करेंगे सर 1 इंटू जेंटलमैन 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 18,
बोलिए जेंटलमैन क्या आएगा, फटाक से बोलिए तो अच्छे से, क्या परसेंट है आपके पास? 18, तो 18 रहेगा। जेंटलमैन देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई की, देखिए यहाँ पर फर्स्ट को लास्ट से, 18 को वन से मल्टीप्लाई की तो 18, क्योंकि हम 18 के फॉर्म पे ही लिखना है। जेंटलमैन इधर से सेकंड एलिमेंट 2 और इस तरफ से सेकंड एलिमेंट 9, तो 9 2 3, ये सारा प्रोडक्ट में ही है, और इधर से थर्ड में 6 और 6 6 3 जा 18, 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 18 का पावर कितना आ गया? देखो तो जेंटलमैन दोनों सेम है कि डिफरेंट है, यहां भी 18 का पावर थी, यहां भी 18 का पावर थी। इसका मीनिंग क्या है कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, सॉरी जो भी फैक्टर्स आएगा उसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो भी नंबर है उसका हम लोग टोटल नंबर फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे और उसमें फॉर्मूला लगा देंगे एन का पावर एन बाई टू, वही सारे फाइंड देगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप, ठीक है ना। तो थोड़ा हम साइड हो गए, फिलहाल तो आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अब जो फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ भी सेम है, जैसे 360 तो सिंपल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बतला है, टोटल फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे कि सर जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 3 में 1 ऐड कर देंगे, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, और जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, सारे का प्रोडक्ट कर देंगे 24। अब जस्ट पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जेंटलमैन सारे फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्या पढ़े यहाँ पर देखिए कि सर एन एन मीन्स नंबर, तो नंबर आप क्या बने एन, यही ना टेकन की है, यही एन है, 360 जो है ये एन है, ठीक है ना, एन है, तो एन का पावर जो है एन बाई टू, एन का पावर एन बाई टू, एन मीन्स क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये जो 24 है ये स्मॉल एन हो गया, और कैपिटल एन 360, तो 360 का पावर एन, एन मतलब 24, एन का पावर 24 अब बाई टू, तो 360 का पावर, ये आंसर हो गया। तो जैसे एग्जांपल हम दिए हैं उस तरह आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन दोनों सेम अप्लीकेशन, ठीक है ना। हम थोड़ा साइड हो गए, थोड़ा सा समझ करके फटाफट इसको नोट करते चलिए।